हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आप लोग के लिए बेसन के पकोड़े, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो मैं आप लोग के साथ यहाँ पर बेसन और करी सॉरी मैंने यहाँ पे प्याज और करी पत्ते के पकौड़ों का भी सीक्रेट्स शेयर करूँगी। आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पेस्ट रेडी करेंगे, जो कि दही बड़ों को बहुत ही फ्लेवरफुल बनाते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पर एक हैंडफुल हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5, 6 से 7 लहसुन के, मेरे पास छोटे से थे, आपके पास बड़े हैं तो 2 या 3 से 4 इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा नमक डालकर इसको हम एक अच्छा सा दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। मैंने यहाँ पे एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। इसको चाहे तो आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने का टिप्स मैं आपको ज़रूर दूंगी आगे। इस पेस्ट को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप बेसन। अब मैं डालूंगी इसमें 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर या 1/2 टीस्पून, और टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालिए। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन, अपने हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ, और थोड़ा सा धनिया भी। ये डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसन खाने से किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम होती है ना, अजवाइन और धनिया डालने से नहीं होगी। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 टेबल स्पून, जो कि हमने अभी पेस्ट रेडी किया है, वो पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो पेस्ट की क्वान्टिटी भी बढ़ा लीजिए। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप पानी। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और एक अच्छा सा ठीक सा बैटर बना लेंगे, जिससे कि हमारे पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट हो। इतना भी हमको हार्ड नहीं रखना है हमारे बेसन के बैटर को, बिल्कुल हम लोग को इतना स्मूथली रखना है ताकि हमारे पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बने और क्रिस्पी बने। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। मुझे 1.5 कप बेसन के आटे में 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है। तो देखिए मेरा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम एक साइड पर रख लेंगे रेस्ट के लिए। अब हम यहाँ पर लेंगे दही बड़ों के लिए दही बनाएंगे हम। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 किलो मीठा दही। आपके घर पर बना हुआ दही है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसमें जो भी दही लगा हुआ था, तो मैं इसको पानी डालकर इसमें डाल लूँगी। ज़्यादा पानी अभी हम नहीं डालेंगे इसमें, बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, बाद में हम पानी डालेंगे। और मैंने यहाँ पे डाला है, अभी हमने जो पेस्ट रेडी किया है वो पेस्ट 1 टेबल स्पून डालिए। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो वही ज़्यादा क्वांटिटी में डालीजिएगा। इसमें हम सॉल्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो पेस्ट बनाया है उसी में हमने ऑलरेडी थोड़ा सा नमक इस्तेमाल किया है, और आगे भी हम नमक पकौड़ों को सोक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सॉल्ट ज़्यादा हो सकता है, आपको कम है तो बाद में भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करके रख लिया है। अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर लिया है। तब तक तेल गर्म हो रहा है जब हम अपने पकौड़ों में थोड़ा सा खाने का सोडा डालेंगे। आप क्या बोलते हैं, मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो इसको अच्छे से जब हम पकौड़े फ्राई कर रहे हैं तभी हम इसमें डालकर इसको मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पर एक स्पून की हेल्प से इसको मिक्स कर रही हूँ, और इसी स्पून से मैं पकौड़े डालूँगी। आप भी कोई एक ऐसा स्पून ले लीजिए जिससे पकोड़े बहुत अच्छे और आसानी से दही से बन जाए। मैंने यहाँ पर एक बॉल में पानी लिया है। जब हमारे पकोड़े फ्राई होंगे तो हम इसमें डिप करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसको मिक्स कर लीजिए, ताकि हमारे पकोड़ों का फ्लेवर कम ना हो, इसलिए हम पानी में नमक डालते हैं। मैंने यहाँ पर अपने तेल को चेक कर लिया है कि हमारा तेल गर्म हो गया है। जब हम एक छोटा सा पकौड़ा डालकर देखिए, जब वो ऊपर आ जाए तो परफेक्टली हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता से पकोड़े डालेंगे। ध्यान रखिए हाथ पर तेल उछल भी सकता है। तो मैंने यहाँ पर पकोड़े डाल लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है इसको, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है। अगर हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो जल जाएंगे, वो ब्राउन कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हल्के हल्के हाथों से इसको पलटा लीजिए। जब दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए तो तब फ्लेम को फुल करके आप इसको फ्राई ब्राउन कलर लेकर आ सकते हो। मैंने यहाँ पर देखिए जो बारीक बारीक होल्स बनते हैं ना जब पकोड़ों में, तो वो परफेक्टली फ्राई हो जाते हैं। तो उसी का वो निशान है कि वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और हमारा बैटर भी बहुत ही अच्छे से बना है। मैंने यहाँ पर पकोड़े और डाल रही हूँ।
ज़्यादा स्पीड में डाला है तो वो थोड़े से बिगड़ गए हैं, बिल्कुल स्लोली डाल लीजिएगा। और हल्के हाथों से इसको पलटा लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे रख के ही फ्राई कर रही हूँ, आपको मैं फ्लेम बताऊँगी। हल्के हाथों से इसको पलट लीजिए। देखिए मैंने इसको पूरा लो फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ। जब दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए तब हम फ्लेम को फुल करेंगे। तब तक हम अपने पकौड़ों को पानी में डिप कर लेते हैं ताकि वो अच्छी तरह से सोख हो जाए और बहुत ही सॉफ्ट हमारे दही बड़े बने। अब मैंने यहाँ पर फ्लेम को फुल कर लिया है ताकि इसमें जल्दी से अच्छा ब्राउनिश कलर आ जाए। जब हम ये पेस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो थोड़ा सा सॉल्ट, ऑयल और लेमन डालकर बना लीजिएगा, ना कलर चेंज होगा ना ही टेस्ट चेंज होगा। ये है टिप्स। चलिए मैंने पकोड़े फ्राई करके निकाल लिए हैं, अब हम बनाएंगे प्याज के पकोड़े। बस दो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, प्याज और करी पत्ता। प्याज को अच्छे से चॉप कर लीजिए और करी पत्ता डालिए, मिक्स कीजिए और पकोड़े फ्राई कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े बनते हैं। मैंने अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा छोटे 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 पकोड़े फ्राई किया है। बस इसको बड़े बड़े नहीं फ्राई करना है, छोटे छोटे फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसमें प्याज बिल्कुल छोटी सी जो हम अंडे में ऑमलेट में डालते हैं ना, वही वैसे ही प्याज इसमें डालना है। जब हम लंबी लंबी स्लाइसेस में कट करके डालें तो वो पकौड़ी बन जाएंगी, प्याज वाली पकौड़ी जो आती है ना, वो पकौड़ी बन जाएंगी। और उसका आटा थोड़ा सा बगैर पानी वाला रहता है, उसके अलग मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। हमारे पकौड़े जब तक फ्राई हो रहे हैं इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। इसको भी लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और मैं यहाँ पर आपको जो हम दही बड़ों के लिए पकौड़े बनाए वो तोड़कर बता रही हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी और कितने अंदर से कुक हो चुके हैं, बिल्कुल थोड़ा सा भी कच्चा नहीं रहा है, कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मेरे प्याज के पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से कुक हुए हैं और कितने क्रिस्पी बने हैं। इसको करी पत्ते के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर जो हमने सोक किया था दही बड़ों के पकौड़ों को, तो हम उसको निकाल लेंगे। देखिए वो फूल कर डबल हो चुके हैं, बिल्कुल स्लोली निकालिए वरना वो टूट भी सकते हैं, इतने सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये पानी को हम फेंकेंगे नहीं, हम दही बड़ों में यूज़ करेंगे। मैंने दही बड़ों के दही में डाल लिया है, अब हम इसमें हमारे भीगे हुए पकौड़े भी डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स कीजिए ताकि हमारे पकोड़े टूटे ना। अब हम यहाँ पर एक बघार बनाएंगे, जिसके लिए मैंने छोटा सा एक पैन रख लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे। और यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च को 3 से 4 टुकड़ों में इसको टुकड़े करके इसमें शामिल किया है। आप यहाँ पर ड्राई हरी मिर्च डाल सकते हो, मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसको हरी मिर्च से ही काम चला लिया है। और थोड़ा सा चुटकी पर हल्दी पाउडर डालिए और बघार दही बड़ों में डाल दीजिए। और यहाँ पर हमारे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी दही बड़े बनकर रेडी हो गए हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आप इसको एनी टाइम बना सकते हैं, मैं यहाँ पे रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर रमज़ान में दही बड़ों के बगैर इफ्तार अधूरी रहती है। देखिए कितनी सॉफ्ट बन गए हमारे दही बड़े, इतने जूसी लग रहे हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और मेरे रेसिपीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। और मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।